आज हम राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सीखने वाले हैं। राउंड रॉबिन वर्क्स ऑन टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, मीन्स हर एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब एक गिवन टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर टू दिया रहेगा तो टू यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन होता है हर एक प्रोसेस। डैट इज वाई इट इज इन प्रीएम्प्टिव मोड। ओके, सो यहाँ पे एक स्मॉल एग्जाम्पल है। देर आर फोर प्रोसेस, अरेवल टाइम, बस टाइम। हमें पता है कि पहले हमें गैंट चार्ट बनाना है। सो गैंट चार्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो। सो जीरो अराइवल टाइम पे प्रोसेस पी वन अराइव हुआ है, जिसका बस टाइम 5। सो प्रोसेस पी वन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। सो टाइम स्लाइस हमें और टाइम क्वांटम हमें टू यूनिट ऑफ टाइम दिए। सो पी वन 0 से 2 तक एग्जीक्यूट होगा और उसका अभी एग्जीक्यूट होगा और वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि टाइम स्लाइस इज 2। सो इसका रिमेनिंग बस टाइम विल बी नाउ 3। जब प्रोसेस पी वन रन हो रहा था तभी पी टू और पी थ्री अराइव हुआ है। सो राउंड रॉबिन फीफो मैनर फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो पी टू अराइव हुआ, उसके बाद पी थ्री। सो पी टू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट। सो आई विल राइट हियर पी टू। पी टू एग्जीक्यूट होगा जिसका बस टाइम 4 है। सो इट विल एग्जीक्यूट टिल 4। ओके, एंड इट विल स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन। सो इसका रिमेनिंग बस टाइम 2 और पी थ्री का बस टाइम 1 है। सो पी थ्री अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा 4 टिल 5। ओके, अभी 5 तलक सब प्रोसेस अराइव हुए, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, सब प्रोसेस अराइव हुए। सो नेक्स्ट विल बी पी फोर, जिसका बस टाइम 3 है। सो वी विल राइट हियर पी फोर। टू टाइम स्लाइस 2, सो पी फोर विल एग्जीक्यूट टिल 7। सो इसका रिमेनिंग बस टाइम विल बी 1। ओके, नाउ अगेन पी वन विल कम इन सी पी यू एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन। सो पी वन का बस टाइम 3 था तो पी वन लिखेंगे और पी वन का एग्जीक्यूट 2 स्लाइस, सो 7 9। सो इसका रिमेनिंग बस टाइम इज 1। नेक्स्ट इज पी टू, पी टू का बस टाइम 2। सो वी विल कैंसिल इट। पी टू ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया एट 9 प्लस 2 11। नाउ नेक्स्ट पी थ्री, पी थ्री का हुआ है लास्ट टाइम ही, पी थ्री का 4 से 5 तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। सो नेक्स्ट विल बी पी फोर, पी फोर का 1 बाकी है। सो इट विल कंप्लीट हियर 12। सो हियर पी टू, पी थ्री, पी फोर कंप्लीट एग्जीक्यूशन। द लास्ट प्रोसेस रिमेन इज पी वन। सो पी वन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा यहाँ पे 13। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर गैंट चार्ट। सेकेंड स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। सो द फॉर्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम, मीन्स कौन से प्रोसेस ने कभी प्रोसेस कंप्लीट किया है एग्जीक्यूशन, माइनस कभी प्रोसेस अराइव हुआ है। ओके, इट्स अराइवल टाइम। सो प्रोसेस पी वन ने कंप्लीट कभी किया है 13 पे। सो वी विल राइट 13 माइनस अराइव 0 पे हुआ है। प्रोसेस पी टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एट 11 माइनस अराइवल टाइम 1। पी थ्री का 5 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज 2 और प्रोसेस पी फोर का 12 माइनस अराइवल टाइम 3। सो इट विल बी प्रोसेस पी वन का 13, पी टू का 12, सॉरी 10, माई मिस्टेक 10, पी थ्री का 3 एंड पी फोर का 9। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। सो एवरेज विल बी 13 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर। सो इट विल बी 4। सो आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यू विल बी 8.75 मिली सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वेटिंग टाइम। नाउ द फॉर्मूला फॉर वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस द बस टाइम। सो फॉर पी वन द टर्न अराउंड टाइम इज 13, वी हैव कैलकुलेटेड 13 माइनस द बस टाइम इज 5, विच इज इक्वल्स टू विच विल बी 8। पी टू का
टर्न अराउंड टाइम 10 माइनस बस टाइम 4 विच विल बी 6, P3 का टर्न अराउंड टाइम 3 माइनस बस टाइम इज 1 सो 2, एंड P4 9 माइनस बस टाइम 3 इज 6. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम. इट विल बी 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 4 इज इक्वल विच विल बी 5.5 मिली सेकेंड. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन प्रीएम्प्टिव मोड. थैंक यू.